एक देश एक टैक्स की बात की जा रही थी। अब एक देश और एक चुनाव की बात, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं और नीति आयोग की भी रिपोर्ट थी कि एक देश एक चुनाव होने चाहिए, सरकार भी उसी दिशा में सोच रही है, कब तक हम देख सकते हैं? अब चुनाव आयोग का क्या मानना है कि एक देश एक चुनाव? कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये सोचा था कि सारे साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए और पहली तीन जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं सिंस इंडिपेंडेंस, वो तीनों साइमल्टेनियस चुनाव हुए हैं। बाद में ही जब ये हुआ कि कभी पार्लियामेंट पहले भंग हो गई या कभी विधानसभाएं पहले भंग हो गई, तो इस तरह शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। और अब ये एक बहुत ही एक अच्छा सुझाव है कि वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन इसमें ज़रूरत पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की, क्योंकि तो जो विधानसभाएं बीच में जिनका कि कार्यकाल सपोज 2024 में इलेक्शन होना है, तो कुछ विधानसभाओं का जो 5 साल का कार्यकाल है वो पूरा नहीं होने पाएगा, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि उनको हम क्या ख़त्म कर सकते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन या नहीं कर सकते हैं, या पार्लियामेंट को हम बढ़ा सकते हैं कि जिससे साइमल्टेनियसली हो सके, या हम 5 साल में 2 इंस्टॉलमेंट कर दें कि आधे लोगों को हम साथ साथ ले चलें फिर अगली बार में अगले लोगों को ले लें साथ साथ। तो ये एक पार्लियामेंट में डिसाइड होना है कि हम किस तरह से इसको कर सकें, लेकिन इलेक्शन कमीशन इज फुल्ली गियर्ड अप, इलेक्शन कमीशन साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने में सक्षम है और हम इसको करा सकते हैं। बाकी तो जैसे डिसीजन अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके किया जाएगा तो जिससे कि एक ही 5 साल में केवल एक ही बार चुनाव होगा और इसको एक सुव्यवस्थित ढंग से अच्छी तरीके से करा जा सकता है कि हमेशा लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो।